हेलो दोस्तों, वेलकम टू वी आर नर्सिंग एकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे कि MOH और DHA में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको एग्जाम बुकिंग करने के लिए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चल चलते हैं। सबसे पहले अपने को चाहिए पासपोर्ट। वो सबको पता है कि आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो हमें पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। सेकेंड नंबर आता है डिग्री या डिप्लोमा इन नर्सिंग, चाहे आप BSc नर्सिंग हो, पोस्ट BSc हो, GNM हो, तो वो चलेगा। वो आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। थर्ड चीज है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, किसी भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जैसे कि राजस्थान में RNC है, DNC है या UPNC, जो भी है आपका, उसका स्टेट का, अपने स्टेट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए यूनिवर्सिटी का, काउंसिल का, ठीक है, काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर। थर्ड वन आता है फिर कम से कम 2 ईयर का एक्सपीरियंस। 2 ईयर का एक्सपीरियंस होगा, अच्छा होगा कि अब कंटिन्यू 2 ईयर का होगा तो चलेगा। दूसरी चीज, 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। 6 महीने पुराना छोड़ा हुआ हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि आपने 1 साल पहले छोड़ा हो तो वैसा वाला एक्सपीरियंस लेटर में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। उसके बाद यदि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप डाटा फ्लो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डाटा फ्लो अप्लाई करने के बाद उसका, जैसे डाटा फ्लो का रिपोर्ट आ जाता है, उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी नंबर लेना होता है। चाहे आप MOH के लिए एग्जाम दे रहे हो, चाहे DHA के लिए दे रहे हो, किसी भी चीज के लिए, नर्सिंग फील्ड में आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक एलिजिबिलिटी नंबर लेना होता है वहां के काउंसिल का, ठीक है, उसी कंट्री का। जैसे दुबई के लिए ले रहे हो तो DHA से आपको अथॉरिटी से एलिजिबिलिटी नंबर लेना होगा। इधर सऊदी से ले रहे हो तो MOH मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से आपको एलिजिबिलिटी नंबर लेना होगा। जैसे आपका एलिजिबिलिटी नंबर आ जाता है तो उसके बाद आप एग्जाम बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैंने DHA का पूरा प्रोसेस आपको बता दिया था एक वीडियो में, उसका लिंक, वीडियो का लिंक इसमें मैं दे दूंगा आपको। उससे आप अपने मोबाइल से घर बैठे आप DHA के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले आपके पास ये चीजें होनी जरूरी है। क्या क्या बताया मैंने, नंबर 1 पासपोर्ट, डिग्री या डिप्लोमा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 2 ईयर एक्सपीरियंस, डाटा फ्लो का रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट एंड एलिजिबिलिटी नंबर। ये सारी चीजें हैं आपके पास, उसके बाद ही आप एग्जाम बुक कर सकते हैं। किसी भाई ने पूछा था इनकी फीस कितनी होती है, तो आपको बता दूं मैं फीस के लिए। MOH के अंदर डाटा फ्लो, यदि MOH के लिए हम डाटा फ्लो कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लिए कर रहे हैं, सऊदी के लिए कर रहे हैं, तो उसका लगभग 25,000 रुपये, 25,000 इंडियन रुपीज में लगता है। और वहीं यदि डाटा फ्लो अपने DHA के लिए करें तो वहां पे लगभग 28,000 के आसपास लगता है। करेंसी ऊपर नीचे होती है तो इंडियन रुपीज में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग एस्टिमेट आप इसके आसपास मान के चलो। और वहीं आप एलिजिबिलिटी नंबर लेते हैं, एलिजिबिलिटी नंबर के लिए MOH के अंदर आपका 5,500 लगेगा और DHA के लिए एलिजिबिलिटी नंबर लेना है तो 6,000 के आसपास, ठीक है। और वहीं एग्जाम बुकिंग के लिए एग्जाम फीस की बात करें तो MOH के एग्जाम के लिए 23,000 के आसपास आपका कॉस्ट बैठेगा, और वहीं DHA के लिए आपका 25,000 के आसपास कॉस्ट बैठेगा इंडियन रुपीज, ये करेंसी बता रहा हूँ इंडियन रुपीज के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे कि हमें MOH के लिए अप्लाई करना है तो टोटल डाटा फ्लो, एलिजिबिलिटी और एग्जाम बुकिंग के लिए टोटल हो गया अपना 53,500 के आसपास, और वही DHA के लिए हो गया अपना 59,000। ये कॉस्ट आपके लिए लगने वाली है। तो आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी को अप्लाई करवाना हो एग्जाम के लिए, डाटा फ्लो के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अभी भी ये सर्विस अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब द चैनल, एंड कोई भी चीज हो किसी भी टाइम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं या सोशल मीडिया पे मुझे कर सकते हैं, या आप यूट्यूब पे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका मैसेज का रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, थैंक यू।